वी हैव द फ्लाइट टू आवरसेल्फ और बहुत देर तक फ्लाइट अपने पास रहेगी। तो पिछले करीब 8 साल से मैं एयरप्लेन्स पे फ्लाई कर रहा हूँ और पिछले करीब 5 साल से मैंने फ्री में फ्लाई करना शुरू किया है। तो हमेशा नहीं बट साल के 6-7 फ्लाइट फ्री में मुझे मिल जाते हैं और पिछले 3 साल में तो मैंने विस्तारा के इतने सारे फ्लाइट्स फ्री में ले लिए हैं। आज मैं फिर से एक विस्तारा की फ्री फ्लाइट लेने जा रहा हूँ, नॉट टेक्निकली फ्री, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, बट अभी मेरी फ्लाइट है हैदराबाद टू बैंगलोर। बहुत ज़्यादा रश है एज यू कैन सी देयर, बट अगेन फ्रॉम द विस्तारा फीचर्स मुझे इस लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, मेरा बहुत जल्दी सिक्योरिटी और बोर्डिंग और चेक इन भी हो जाएगा। तो अभी मैं चेक इन कराता हूँ, सबसे पहले लगेज ड्रॉप करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे आप भी फ्री में ट्रैवल कर सकते हो और बहुत सारे बेनिफिट्स उठा सकते हो अगर आप विस्तारा से फ्लाई कर रहे हो। वैसे अगर आपको बाकी तरीके से जानना है कि आप कैसे पैसे बचा सकते हो एयरप्लेन पे ट्रैवल करने के लिए, तो आप ये वीडियो देख सकते हो, इसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन इस जर्नी के बारे में आपको सब कुछ आगे बताता हूँ। तो सबसे बढ़िया फीचर जो है एयरपोर्ट पे घुसते ही आपको मिल जाता है कि आपको लाइन नहीं लगनी पड़ती है बाकियों के जैसे। बहुत छोटा सा क्यू होता है, मेरे आगे सिर्फ एक ही इंसान था, मेरा चेक इन हो गया, अब मुझे सिर्फ सिक्योरिटी चेकिंग कराना है और उसके बाद मेरे पास पूरा एक्सेस रहेगा। मैं चाहता हूँ लाउंज जा सकता हूँ, रेस्ट कर सकता हूँ, शॉपिंग कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। और यूजुअली अब सारे एयरपोर्ट शहर से बहुत ज़्यादा बाहर होते हैं, इट्स अ वेरी बिग फीचर। और अगर आप किसी भी बड़े एयरपोर्ट से ट्रैवल करो, दिल्ली, बॉम्बे, बनारस, हैदराबाद, बैंगलोर, प्लीज़ डीजी यात्रा करा लेना। मैंने बहुत जल्दी डिजी यात्रा के वजह से अंदर एंट्री ले ली एंड आई होप आपने मेरा डिजी यात्रा वाला शॉर्ट्स भी देखा होगा। अभी चलते हैं अंदर, सिक्योरिटी चेकिंग कराता है, यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, तो आपको बाकी की बातें आगे बताता हूँ। एक चीज़ जो सबसे बढ़िया लगती है मुझे विस्तारा की, कि इररिस्पेक्टिव आपका फ्लाइट 1 घंटे का हो या 2.5 घंटे का हो, खाना आपको मिलेगा, गर्म मिलेगा। और ये फ्लाइट तो फुल इकोनॉमी है बट प्रीमियम इकोनॉमी और बिजनेस का भी ऑप्शन मिलता है एंड मैंने प्रीमियम इकोनॉमी फ्लाई किया हुआ है, दैट टू फॉर फ्री। एक भी बार मैंने प्रीमियम इकोनॉमी के लिए 1 रुपये पे नहीं किए, जो बस टैक्सेस थे 500 रुपये वो पे किए, बट बाकी चीज़ें नॉर्मल एयरक्राफ्ट के जैसी हैं। इनफैक्ट विस्तारा का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी ये है कि आपको हर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। इनफैक्ट आई गेस अकासा के बाद सबसे कम कनेक्टिविटी इसी एयरलाइन की है इंडिया में, मेजर एयरलाइन जो बड़ी एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, A320, A321 वगैरह। अभी चलते हैं लाउंज में, बहुत भूख लगी हम लोगों को, बहुत लकीली जल्दी आए हैं। मुझे जहाँ तक पता है हैदराबाद लाउंज वन ऑफ द बिजिएस्ट लाउंज है, तो चलते हैं देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ का और मैं आपको बाकी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कैसे आप भी फ्री में फ्लाई कर सकते हो। 8:30, वी हैव टू वेट टिल 8:30 ऑलमोस्ट। वैसे इफ़ यू वांट टू नो, मैं इसी के लिए हैदराबाद आया था, ये जो विंग इंडिया 2024 था, बहुत ही प्यारे एयरक्राफ्ट देखने को मिले। ये इंडिया का पहला A350-900 भी वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था, जिसके लिए मैं बैंगलोर जा रहा हूँ। तो आपको अभी तक वो वीडियो आप देख चुके होंगे, दैट विल बी लाइव ऑन द चैनल जब तक ये जाएगा। A350-900 इंडिया का पहला A350 है ये, इंजीनियरिंग के मामले में सबसे एडवांस्ड फ्लाइट, इंजीनियरिंग मार्वल। A350 वो देखने को मिला, बोइंग 777X देखने को मिला, बहुत ही बढ़िया था, उसके भी मैंने शॉर्ट्स डाले, मेक श्योर यू वॉच दैट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ आपको हैदराबाद लाउंज के बारे में, यहाँ पे अलग से वेटिंग एरिया बनाया हुआ है ताकि अगर आप भूखे हैं, आपको 2 रुपए में खाना खाना है, तो आप यहाँ पे वेट करके आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट बाद जाके खा सकते हो। दिस इज योर मास्टर शेफ हर्ष, यहाँ पे लाइव चार्ट काउंटर मिल गया मुझे, सेल्फ मेकिंग, आत्मनिर्भर, और बहुत छुप छुप के ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये पूरी की पूरी चीज़ें खुद से करनी है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनाऊँगा मैं। ये जितना खाना आपको दिख रहा है इंक्लूडिंग दिस कोल्ड ड्रिंक, ये सब बेसिकली 2 रुपये कटा है मेरे अकाउंट से, मुझे ये सब मिला है। यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो मैं बहुत जल्दी से इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ, बट अगर आपको जानना है कि आप ये सब कैसे खा सकते हो, तो क्लिक ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़, अब यहाँ पे किसी को पकड़ लिया गया था, उनके तरह खाना पैक करके कभी मत ले जाना, यही खाना पूरा खा के जाना। वैसे तो सभी को पता है कि अब 2 रुपये में क्रेडिट कार्ड से लाउंज एक्सेस मिल जाता है, बट विस्तारा का अगर आप प्रिविलेज यूज़ करते हो, क्लब विस्तारा के मेंबर हो आप, गोल्ड मेंबर, तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम लाउंज, जो कि हैदराबाद का लाउंज है, और यहाँ पे आप यूजुअली देख सकते हो वेटिंग टाइम 30 मिनट्स का होता है, बट क्योंकि गोल्ड मेंबर हो आप, फ़र्क नहीं पड़ता आप इकॉनमी ट्रैवल कर रहे हो, प्रीमियम इकॉनमी ट्रैवल कर रहे हो या बिजनेस ट्रैवल कर रहे हो, आपको गोल्ड मेंबर होने की वजह से लाउंज एक्सेस मिलता है और यहाँ पे बिना वेट किए आप सीधे लाउंज में जा सकते हो। बाकी सब वेट करेंगे बट आप लाउंज में तुरंत जा सकते हो, तो इन शॉर्ट आपको हर जगह प्रायोरिटी मिलती है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। अब चलते हैं बोर्डिंग के लिए, बोर्डिंग शुरू होने वाली है, मुझे आपको प्रायोरिटी बोर्डिंग भी दिखानी है फ्लाइट पे, जो कि लास्ट फैसिलिटी मिलती है आपको गोल्ड मेंबर का। इसके बाद आपको कोई भी फैसिलिटी ऐसा सच मिलता नहीं है, बस लगेज जो आपने दिया है वो तो आपने देख लिया कि प्रायोरिटी टैग लगता है, तो सबसे पहले निकल के आएगा वो। मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि जो मेरा फ्लाइट का गेट है, गेट नंबर 20, ये इतना ज़्यादा पास है, मुझे हार्डली 1 मिनट भी नहीं चलना पड़ा,
और अब क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है तो आपको बता सकता हूँ कि जो मैं क्लब विस्तारा लाउंज और क्लब विस्तारा मेंबरशिप ये सब बता रहा हूँ, ये सब करने के तो बहुत तरीके हैं, आप खुद से इनरोल कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको बेसिक टियर मिलता है, बहुत सारे होते हैं, बेसिक, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, लेकिन ये जो फीचर्स जो भी मैं आपको अभी तक बता रहा था ये गोल्ड के हैं, ठीक है। और इसके लिए आप या तो पे कर सकते हो या बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे एक साल में 25-30 फ्लाइट लोगे तो आपको फ्री में मिल जाएगा। बट जो सबसे इजी तरीका है वो मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में, फ्लाइट पे एक बार मैं बोर्ड कर लूँ, अभी फ्लाइट बोर्डिंग शुरू हो जाएगी अगले 10 मिनट में। और आपने अगर ट्रैवल किया तो आपको पता होगा फ्लाइट में कि दो तरीके से बोर्ड कराया जाता है, सबसे पहले लोगों को बुलाया जाता है जो मेंबर होते हैं उन फ्लाइट के, विस्तारा के हो गए या फिर एयर इंडिया का मेंबर हो गए, फिर दूसरा होता है कि आपके सीट नंबर, 20 से 30 जिनका सीट नंबर होता है वो पहले जाते हैं, फिर 11 से 20, फिर 1 से 10, डिपेंडिंग ऑन द एयरक्राफ्ट। बट आप अगर मेंबर हो तो आपको कोई किसी भी तरह का वेट नहीं करना है, सबसे पहले आप जाओगे और आप बहुत आराम से जाके अपने हिसाब से अपना लगेज रख सकते हो, बिल्कुल आराम से सेटल हो सकते हो लोगों के आने के पहले। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और ये चीज़ नॉर्मली अगर आपके पास कोई मेंबरशिप नहीं है तो आपको पे करके लेना पड़ता है, जो कि 300 रुपये से 1000 रुपये तक के बीच में पड़ता है, जिसको प्रायोरिटी बोर्डिंग या प्रायोरिटी चेक इन का भी नाम दिया जाता है एयरलाइंस के थ्रू, जो आपको चेकिंग या टिकट बुकिंग के टाइम भी ऑप्शन मिलता है अवेल करने का। सर लेट नहीं होगा ना फ्लाइट? नहीं। तो एज यू कैन सी सबसे पहले बोर्डिंग हो गई, अब बढ़िया मस्त जाएंगे। सीट हालांकि आगे की नहीं मिली क्योंकि हम लोगों ने बहुत लेट फ्लाइट बुक किया था। भाई ये भाई सबसे ज़्यादा मज़ा आता है यही करने में, एकदम अपना बढ़िया जाओ हंसते खेलते। अभी आप पीछे भी देख सकते हो कोई नहीं आया है और बहुत देर तक कोई नहीं आएगा क्योंकि सबसे पहले सिर्फ प्रायोरिटी बोर्डिंग वाले ही लोग निकलते हैं। एंड ट्रस्ट मी ये सारे फीचर्स मोस्टली क्या एक्चुअली आपको सब कुछ फ्री में मिलता है, क्योंकि जो भी आप चार्ज पे करते हो उससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिल जाता है। बट ये वही बात है कि स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन वाली बात है, जो अगर आप सही से लोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बेसिकली ऑल ऑफ दिस इज एक्सेसिबल थ्रू पार्टनर विस्तारा क्रेडिट कार्ड्स, चाहे आप एक्सिस बैंक से लो, IDFC बैंक से लो, इंडसइंड बैंक से लो या SBI से लो। मेरे पास एक्सिस विस्तारा का प्रीमियम इकॉनमी और बिजनेस तीनों कार्ड्स है, नॉट एक्चुअली ऑन माय नेम, मेरे नाम पे इकॉनमी है, पापा के नाम पे प्रीमियम इकॉनमी है। एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव कैमरामैन ऋषि इसके पास बिजनेस का है, जिसका गोल्ड कार्ड मैं यूज़ करके ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाई एनी चांस, और मैं आपको ये प्रूफ कर देता हूँ क्योंकि ये फ्लाइट एक्चुअली 15 मिनट लेट बोर्डिंग स्टार्ट किया इन लोगों ने, एंड आई होप ये फ्लाइट लेट ना हो। और दिस इज़ आर फ्लाइट, दिस इज़ आर फर्स्ट पायलट एंड कैप्टन सिटिंग देयर, और आई जस्ट होप कि दिल्ली वाला कुछ भी हाल ना हो। एंड थैंक यू सर। सो वी हैव द फ्लाइट टू आर सेल्फ, और बहुत देर तक फ्लाइट अपने पास रहेगी, हमारी सीट 16F है। हेलो, हाँ, सो दिस इज़ आर सीट। तो यही बोल रहा था मैं, द मोमेंट यू हैव द प्रायोरिटी एंड द विस्तारा कार्ड्स यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनीथिंग। अब मैं यहाँ बैग रख सकता हूँ, यहाँ बैग रख सकता हूँ, और जो भी सामान निकालना करना मैं कर सकता हूँ। अब जाके पहला पैसेंजर आया है फ्लाइट में, तो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले बैठ जाते हैं, थोड़ा चिल करते हैं। एंड यस, मैं एकदम विंग पे सीट मिला है। फाइनली 1 घंटे के बाद हम लोग बैंगलोर पहुँच गए, और अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली कैसे आप मेरे तरह बहुत कम से कम पैसे, एक्चुअली ये जो फ्लाइट है इस फ्लाइट का प्राइस था दो लोगों के लिए 23,200 रुपये, जिसके जगह मैंने अपने CV पॉइंट्स यूज़ किए बेसिकली ऋषि के कार्ड से, और वो CV पॉइंट्स हम लोगों ने रिडीम करने के बाद हम लोगों को सिर्फ 3,090 रुपये पे करने पड़े और दोनों टिकट्स मिल गए। इस केस में क्योंकि हम लोगों ने एक दिन पहले टिकट बुक किया था तो हम लोग के खुद के पैसे लगे, और वही अगर हम 3 दिन बाद की टिकट बुक करते तो हम लोग को 3,000 रुपये की जगह सिर्फ 1,000 रुपये देना पड़ता, 500 रुपये पर पर्सन इन टैक्सेस। और ये तो हो गया CV पॉइंट्स, डायरेक्ट फ्लाइट टिकट्स भी मिलता है जैसे आप जब भी वो विस्तारा वाला कार्ड लोगे, इकॉनमी, प्रीमियम इकॉनमी या बिजनेस, वेलकम वाउचर में आपको वो टिकट मिल जाता है फ्री का। ऑब्वियसली आपको कार्ड का एनुअल चार्ज पे करना पड़ता है, इकॉनमी का 1500 है, प्रीमियम इकॉनमी का 3000 है, और बिजनेस का वॉपिंग 10,000 रुपीज़ है। लाउंज का फीचर वो सिर्फ 10,000 वाले में मिलता है, प्रायोरिटी चेक इन आपको प्रीमियम इकॉनमी में मिलेगा, इकॉनमी में आपको टिकट्स के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ 1 क्लास अपग्रेड मिलता है। बट
ट्रस्ट मी, जो लोग आपको अगर ये कहते हैं ना कि नहीं 1500 रुपए तो देने पड़ रहे हैं ना तो कैसे फ्री हुआ, सर आप मुझे खुद बताओ 1500 में कोई भी इकोनॉमी क्लास टिकट्स नहीं मिलती है, और वो तो एक फ्री मिल गई। उसके बाद आप जो भी खर्च करोगे, जैसे आप नॉर्मल खर्च करते हो, अगर आपके पास किसी भी बैंक का XYZ कार्ड है, उसका आप 1.5 लाख रुपए खर्च करोगे तो आपको जो भी रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, बट इस कार्ड से अगर आप 1.5 लाख रुपए खर्च करोगे तो आपको एक फ्री इकोनॉमी क्लास यानी कि दूसरा इकोनॉमी क्लास टिकट मिल जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जितना आप खर्च करते जाओगे उतना मिलते जाता है। इट्स बेसिकली रिवॉर्डिंग योरसेल्फ विद फ्लाइट टिकट्स विद व्हाटएवर यू परचेज, और आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है। बट अगर आप ट्रैवल करते हो, आपको लगता है कि आपको ट्रैवल में फायदा होगा तो आप ये कार्ड लेना। जैसे मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, आपने वीडियोस देखे होंगे मेरे चैनल पे, तो मुझे बहुत फायदा होता है। साल भर में मैं 5 से 6 फ्री विस्तारा के फ्लाइट टिकट्स लेता हूँ, और बाकी एयरलाइंस के भी 3-4 फ्री टिकट्स मिल जाते हैं मुझे थ्रू माई अदर कार्ड्स। बट अभी क्योंकि हम लोग इसकी विस्तारा की बात कर रहे हैं, तो आप इनमें से कोई भी कार्ड ले सकते हो। अब देयर इज नो कंपल्शन, बट इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दीज कार्ड्स, आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मेंशन है वहां पे जाके देख सकते हो। कार्ड्स आपको जो भी इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी, बिजनेस जो भी सिलेक्ट करोगे आप उसके थ्रू कार्ड अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये लिंक मेरे चैनल से आपको मिल रहा है, तो देयर आर मोर चांसेस फॉर यू टू गेट दैट कार्ड बीइंग अप्रूव्ड। आपके कार्ड अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाएंगे, एंड दिस इज नो प्रमोशन, आपको कोई जरूरत नहीं है, आप इसी लिंक से लो, आप कहीं से भी कार्ड ले सकते हो। बट अगर आप इस लिंक से कार्ड लोगे तो मुझे एज अ क्रिएटर थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आप कार्ड इससे नहीं भी ले सकते हो, बाहर से भी ले सकते हो, अपने बैंक से जाकर ले सकते हो। मैं खुद यूज कर रहा हूँ इसको, मेरे चैनल पर जो प्रीमियम इकोनॉमी का वीडियो है जो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, वो मैंने 3 साल पहले बनाया था, तो फ्री में मुझे मिला था। दैट बीइंग सेड, वीडियो खत्म होने का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। अभी हम लोग बैंगलोर एयरपोर्ट के न्यू टर्मिनल 2 में खड़े हैं, और लगेज आना शुरू हो गया है। होपफुली हम लोग का लगेज सबसे पहले आना चाहिए, प्रायोरिटी बैगेज लगा हुआ है, और आ भी चुका है बैगेज, हो रहा हमारा ट्रॉली, वो दूसरा लगेज निकला है फ्लाइट के कन्वेयर बेल्ट से, एंड दिस इज द लास्ट लेवरेज दैट यू गेट व्हेन यू हैव द कार्ड। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप मेरा ओपिनियन लो, सबसे बेस्ट इकॉनमी है, सॉरी टू से, बट मेरा लगेज आ गया तो आई गो। मुझे एयरपोर्ट पे चेकिंग के वक्त वेट करना पड़ा, आप मुझे जाते वक्त वेट करना पड़ा है, अनलाइक दीज पीपल। तो इन लोगों की तरह आपको नहीं रहना है, तो आप भी कार्ड अप्लाई कर लेना। दिस इज हर्ष साइनिंग ऑफ, विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।